नमस्कार, बहुत बड़ी खबर है। कमलनाथ की गवर्नमेंट गिरने वाली है। कांग्रेस की मध्य प्रदेश सरकार कभी भी गिर सकती है और ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। और ये अल्टीमेटम दे दिया गया है सोनिया गांधी को। तो आपने ये खबर सही सुनी है, कांग्रेस की सरकार गिरने वाली है। उल्टी गिनती शुरू हो गई है, कमलनाथ की कुर्सी डगमगा गई है। आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर जो खबरें मार्केट में चली जा रही थी, अब उसकी पुष्टि होते जा रही है कि आपने देखा 370 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुलकर समर्थन करने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बार फिर से बगावत के मूड में आ गए हैं और उनके साथ अनेक विधायक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस की सरकार अब नहीं टिक सकती है क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अब फाइनल वार्निंग दे दी है, या तो हमें अध्यक्ष बनाओ नहीं तो हम कभी भी कांग्रेस छोड़ सकते हैं। और लेकिन कमलनाथ नहीं चाहते हैं कि वो अध्यक्ष बने और जो दिग्विजय सिंह है उनका गुट भी नहीं चाहता है। और खुद राहुल गांधी भी नाराज हैं क्योंकि 370 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुलकर समर्थन करने वाले अगर कोई बड़ा नेता था तो वो ज्योतिरादित्य सिंधिया था, जो कांग्रेस के इतने करीबी थे, राहुल गांधी का साथी था। लेकिन लोकसभा चुनाव हारने के बाद वो खुलकर बीजेपी के करीब आ गए हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि वो जब विधानसभा चुनाव हुए थे, परिणाम आए थे, उनको पार्टी नेतृत्व ने कहा था कि आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन वो बात झूठी निकली। उनके नाम का इस्तेमाल किया गया चुनाव में, लेकिन जब मुख्यमंत्री पद की बात आई तो उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया। इस बात को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया काफ़ी नाराज हैं और वो कभी भी कांग्रेस छोड़ सकते हैं। तो अगर कांग्रेस छोड़ते हैं तो ये बहुत बड़े युवा नेता को कांग्रेस अपनी पार्टी से अलग कर सकती, कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लग सकता है कि इतने बड़े कांग्रेस के युवा नेता जो कांग्रेस को छोड़ रहे हैं। और कांग्रेस में बचा क्या, सिर्फ राहुल गांधी, जिनकी कोई इमेज अब पब्लिक में नहीं बची है। जो उनके पब्लिक का सपोर्ट करने वाले, पब्लिक जिन नेताओं को सपोर्ट करती है ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे, भले वो चुनाव हार गए हों लेकिन वो कांग्रेस में थोड़ा जान फूंक सकते थे। लेकिन कांग्रेस की हालत पतली होती जा रही है। अगर ऐसा होता है ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल होते हैं तो ये कांग्रेस के लिए मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। दोगलापंथी दिखा रहे हैं कांग्रेस वाले, और कुछ नहीं है, वो अपना एक अलग चाल यू टर्न ले लिया उन्होंने। कुछ भी मतलब एक धर्म को देख के भी कि अपनी तरफ जो कि खींचना चाहते वो, बट अब ऐसा होगा नहीं कुछ भी। और आपको क्या लगता है, जैसे कि पाकिस्तान को हमेशा ही राहुल गांधी की तरफ से चांस मिलता रहा है कुछ ना कुछ, अब जैसे कि ये वाली बात ले ली, जब इन्होंने ये कहा था कि घाटी में लोग मर रहे हैं, तो इसी चीज़ को मुद्दा बनाकर, एक बड़ी चीज़ बना के पाकिस्तान ने UNFCA को लेटर लिख दिया है कि हिंदुस्तान के लोग 370 के हटने से खुश नहीं है, क्योंकि वहाँ के जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि उन्हें घाटी की चिंता लगी हुई है, वहाँ पे लोग मारे जा रहे हैं। तो हमेशा पाकिस्तान को मुद्दे क्यों देते रहते हैं राहुल गांधी? मैम, ऐसा कुछ नहीं है, घाटी के लोग अब बड़े ही खुश होंगे इस टाइम पे, क्योंकि उन्हें 370 धारा हटने के बाद अच्छे रोजगार मिलेंगे, अच्छी उनको एक, जैसे कि कह सकते हैं जो बेरोजगार थे अब उन्हें रोजगार मिलेंगे, बहुत कुछ ऐसा डेवलपमेंट होगा, जो निजी कास्ट के लोग थे उन्हें भी अच्छा रोजगार, बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा होगा। ये मोदी जी ने बहुत अच्छा करा है और हम सदैव बीजेपी के साथ रहेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे काम करे हैं अपने 5 साल के अंदर, क्योंकि हमने कांग्रेस को देख लिया उन्होंने क्या करा अपने जीवन कार्य में, कुछ नहीं करा उन्होंने, नथिंग जीवन कार्य में कुछ नहीं किया, वो बात अलग है। और जब ये जो 370 का अनुच्छेद जो 370 था, ये शुरुआत हुई थी इसकी नेहरू जी से इसकी शुरुआत हुई थी, उन्होंने लगाया था। अब जब मोदी सरकार में मोदी जी ने इसे हटा दिया, तो राहुल गांधी इससे खुश क्यों नहीं है इस चीज़ से? मैम, वो कैसे खुश हो सकते हैं, वो तो खुश हो ही नहीं सकते हैं। जब नेहरू जी बिल्कुल कांग्रेस की जो कहते हैं जड़ है जी, अब वो जा चुकी हैं, अब उनकी जो राहुल गांधी जो पेड़ बन चुके हैं, अब वो अपनी जड़ों को कैसे भूलेंगे वो भी, तो ऐसा वो खुश हो नहीं सकते। वो अपने अंदर आत्मा से भी जो है वो झूठ ही बोल रहे हैं कि मैं खुश हूँ, मेरे को नहीं लगता कि वो खुश होंगे, बिल्कुल ये झूठ है। पहले
पहले तो इन्होंने इसी चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा टिप्पणियाँ की, क्या कि वहाँ के लोग खुश नहीं हैं, इंडिया के लोग खुश नहीं हैं। फिर इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर पाकिस्तान ने UNFCCC को लेटर भी लिख दिया। अब जाके सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी जारी कर दिया है सरकार को। अब उसके बाद राहुल गांधी के बोल कुछ बदले ही नज़र आ रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान का साथ नहीं दे रहा, पाकिस्तान तो हमेशा, उसे तो मौका चाहिए होता है। तो मौका दिया किसने? मैम, मौका तो क्या है, उन्होंने खुद से ऐसे ही गवाया है। अब ये पता नहीं धीरे धीरे क्या क्या बदलाव करेंगे अपने आप से। अब ये हर चीज़ में बदलाव करेंगे कि हमने क्या कहा था, अब ये हर चीज़ में यू टर्न लेंगे। अभी मतलब ये कुछ भी नहीं है राहुल गांधी जी, जो भी है। आपको क्या लगता है कि हमेशा जो इनकी हास्य, जो इनके ऊपर मजाक बनाया जाता है, वो इनके सही है या फिर ये इनकी हरकत? बिल्कुल बिल्कुल, इनकी हरकत ही ऐसी है। मेरे को लगता है कि अब राहुल गांधी जी को सुधरना चाहिए, क्योंकि अब समय आ गया। अब उनकी एज भी है, अभी बच्चे नहीं रहे हैं, अभी अब बहुत बड़े हो गए हैं। अब इनको अपनी कांग्रेस की पूरी जो है इनके हाथ में ही है। अगर ये संभाल सकते हैं तो संभाल सकते हैं, वरना मेरे को नहीं लगता कि कांग्रेस आने वाले टाइम में डट सकती है। कांग्रेस इज फिनिश। ये तो सर आपको पता ही है कि जब डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी की मुलाकात हुई थी, तो उसके बाद थोड़ी देर बाद ही इमरान खान लाइव आ चुके थे, अपनी जनता के साथ गुफ्तगू कर रहे थे। और बातों बातों में उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुझे इंडिया से इसके लिए परमाणु युद्ध भी करना पड़े तो मैं करूँगा। तो उन्हें इतनी चिढ़ क्या हुई ट्रंप और मोदी जी को देखकर आपस में? मैम, वो तो बस ऐसे चिढ़ते रहेंगे। इमरान खान जी जो हैं एक ढकोसलेबाज आदमी हैं, और उनके हाथ में मेरे को नहीं लगता कि पाकिस्तान की एक सत्ता या पावर जो है उनके हाथ में है। वो कुछ भी नहीं है, उनके पीछे से जो है वहाँ की सेना जो बोलती रहती है वही बोलते हैं। जो उनके जनरल आई थिंक मुशर्रफ है, मेरा नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, बाजवा जी, जो पाकिस्तान में सिर्फ उन्हीं की चलती है। और इमरान खान जी के हाथ में कुछ भी नहीं है, कुछ भी। वो बस एक ऊपली बोल बोलते रहते हैं और कुछ भी नहीं होगा। अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक व्हाट्सएप पर एक छोटा सा क्लिप देखा था, जिसमें कि मोदी जी बैटिंग कर रहे हैं, इमरान खान जी बॉलिंग कर रहे हैं, और कीपर जो हैं डोनाल्ड ट्रंप हैं। ओके, तो इमरान खान जी बॉलिंग करते हैं तो मोदी जी उसको टच करते बॉल को, और कीपर जो हैं डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उसको बॉल को लेते हैं, वो उसको बोल्ड करना चाहते हैं मोदी जी को, बट वो मोदी जी को बोल्ड ना करते हुए इमरान खान के बैक पे बॉल मारते हैं। ठीक है, तो उनको इस चीज़ में ही समझ जाना चाहिए कि उनका कोई देश कोई भी साथ नहीं देगा। जिस तरह की आपने क्लिप के बारे में बताया वो सच बात है, क्योंकि जब अभी मोदी और ट्रंप जी मिले थे तब उन दोनों के बीच ये बात क्लियर हो चुकी थी कि अमेरिका बीच में हस्तक्षेप नहीं करेगा। और मोदी जी ने भी ये कही थी कि ये दोनों, हम दोनों देशों की बात है, द्विपक्षीय बात है, हम दोनों संभाल लेंगे। हाँ, तो ये वाली बात। और सबसे पहली बात कि जब इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, उसके बावजूद भी इमरान खान ये कह रहे हैं कि हम इस मुद्दे को इंटरनेशनल पे लेके जाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेके जाएंगे। जो मोहम्मदन लोग हैं, जो जितने भी इस्लामिक लोग हैं, मैं उन्हें इकट्ठा करूँगा और जंग के लिए तैयार करूँगा। तो इसका क्या मतलब है? ये कुछ नहीं है, ये मैंने बताया ना, इमरान खान जी का ये ढकोसलेबाज आदमी है और कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि सब मोहम्मदन जो ख़राब होते हैं, कुछ भी नहीं है। बस इमरान खान जैसे जो कुछ लोग हैं, जो जंद गद्दार नेता हैं, वही ऐसी टिप्पणियां कर सकते हैं कि भारत को कैसे समझाना है, कैसे नहीं समझाना। उनको ये नहीं पता कि आप एक भारत के बच्चे हो, भारत से निकले हुए हो, भारत उनका बाप है। और मोदी जी जो हैं इस टाइम पे सत्ता में जो शेर बन के आए हैं, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मोदी जी से वर्ल्ड ऑफ पावर मैन, बहुत पावर मैन है, आदमी है वो। आपको नहीं लगता कि अब इमरान खान को समझ जाना चाहिए, जब कश्मीर 5 अगस्त को कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया था, तो जितने भी इस्लामिक देश थे जिनके सामने इमरान खान गिड़गिड़ाए थे कि भाई अब मुझे कश्मीर वापस चाहिए, आप भी मेरे साथ स्टैंड रहो, पर कोई भी उनके साथ खड़ा नहीं हुआ, सारे इंडिया के साथ आगे खड़े हो गए सिवाय चीन के। और कुछ उनका देश भी अभी इसी चीज़ के लिए बगावत कर रहा है कि भाई कश्मीर के मुद्दे को छोड़ो और POK को बचाओ और अपनी अर्थव्यवस्था पर ध्यान दो, फिर भी इसके बाद भी उन्हें कोई समझ नहीं आता। तो आप? मैम, इमरान खान जी को कुछ भी समझ नहीं आएगा। इमरान खान जी को ये देखना चाहिए आज के टाइम पे, टुडेज़ पाकिस्तान टोमेटो प्राइस है 300 रुपीज़ KG। आई थिंक मेरे को उनको ये लग रहा है कि वो अपने पाकिस्तान की पॉपुलेशन को जो है बर्बाद करते जा रहे हैं, महंगाई की अर्थव्यवस्था सारी बिगाड़ चुके हैं। उन्होंने उनको बल्कि ये करना चाहिए कि हिंदुस्तान से अपने अच्छे योगदान, जो उनसे लेन देन जितना भी है, बहुत अच्छा करना चाहिए, ना कि उससे साथ समझौता तोड़ना चाहिए। इमरान खान जी खुद ही खुद समझना चाहिए। अगर नहीं समझेंगे तो वही बात है, हमारी कहावत में लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं।
अब जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के रिश्ते काफ़ी ज़्यादा देशों से काफ़ी अच्छे हो चुके हैं, तो इसका सबसे ज़्यादा दुख और घाटा किसको लग रहा है आपको? मैम उन्हीं का ही हो, जाहिर सी बात है, इमरान खान जी का ही बहुत बड़ा लॉस है। और मैं तो इमरान खान जी से, अगर वो मेरी बात सुन रहे तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा, सर सुधर जाओ, अपने देश के बारे में सोचो। दूसरे देश पे आप क्यों सोच रहे हो? कश्मीर हमारा था, हमारा है, हमारा ही रहेगा। और हमने तो पहले ही सोच लिया था, मोदी जी सत्ता में आ चुके हैं और हमारे अमित शाह जी गृह मंत्री बन चुके हैं, तो 370 धारा अब तो हटनी ही हटनी है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। तो उसे इमरान खान जी को अब सबक लेना चाहिए कि आगे संसद में गृह मंत्री अमित शाह ये बोल चुके हैं कि ओकोबाइट हमारा है, हम उसे भी पाकिस्तान से ले लेंगे। अब पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान कश्मीर पे ही लगा रहेगा तो वो ओकोबाइट को कैसे बचाएगा? बचा पाएगा? मैम ये जाहिर सी बात है, मेरे को तो नहीं लगता अब वो कश्मीर के मुद्दे पे ही लगा रहेगा। मैं तो सोच रहा हूँ कश्मीर के मुद्दे पे लगा ही क्यों है, कश्मीर उनको सोचना चाहिए। जाहिर सी बात है, पूरे वर्ल्ड में, इंटरनेशनल में सबको पता है कश्मीर ओनली ऑन हिंदुस्तान का है, और अब वो कश्मीर का मुद्दा ना छोड़ के अपने पीओके को बचा सकते हो तो खैर, वो बचाना तो उनके बस की है नहीं, वो हमारा ही है, ठीक है। अब वो तो हम लेके ही रहेंगे भैया, अब तुम प्यार से दे दोगे तो ठीक है, नहीं तो अमित शाह जी को जान दे ही हो।